ये काले कपड़े जो हों, जब तक जो काला कानून और मान लो सुन लो नाथन स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होने की, जब लोग कपड़े निकाले चाहे 9 साल हो जाइयो और चाहे 14 वर्ष हो जाइयो, मुझे संसद में अगर बुलाया जाए वो तो मैं कहता हूँ कि मैं जो 20 मिनट में यो काला कानून जैसे मैंने सूटर यो ले रखा मफलर इस समय ऐसे घेर दूंगा काले कानून को और किसानों का बेवकूफ बना दिया कि तुम्हारी दुगनी आय करेंगे। देश तो आज़ाद हो गया लेकिन किसान आज भी आज़ाद है। इतने दिन बीत गए हैं, कोई उम्मीद नजर आ रही है? मुझे तो उम्मीद ना लग रही। तो फिर यहाँ पे क्यों बैठे हैं? नो बैठे हो यो जो रोड जमीन यो हमारी हो सड़क सरकार की नो बैठे अपना हक लेकर क्यों बैठे? कब तक बैठेंगे यहाँ? हम तो हमारी सुन लो, हम तो ये निश्चित करके आए हैं कि जब लो हमारा ये काला कानून नहीं हटने का। भाई मोदी जी नु कह रहे हैं काला कानून तुम्हारे हक का है, चलो ठीक है मान रहे हम हक का, इन्हें 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है सब सांसदों को, ये तनख्वाह हम दे दियो भला दे देंगे क्या भाई? जब ये हमनु कह रहे हैं तुम्हारे फायदे का काम कर रहे हैं, ये अपनी 2 लाख रुपए तनख्वाह हम दे दो भला देते हैं क्या? कह रहे सांसद जितने भी थे पक्ष के विपक्ष के बैठ कर, अरे इन्होंने अपनी तनख्वाह बना ली और किसानों का बेवकूफ़ बना दिया कि तुम्हारी दुगनी आय करेंगे। दुगना नहीं चौगुना कर्जा कर दिया मेरे। मैं जब अखिलेश की सरकार थी तो जब मेरे पर 50,000 रुपये सरकार का कर्जा था, आज मेरे पर 4 लाख का कर्जा। तो ये तो हमारी जो ना दुगनी आय ना ये तो चौगुनी कर दी, हम पर कर्जा कर दिया इन्होंने, देश के अंदर बिजनेस बना दी इन नेताओं ने। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी जब चुनाव होने वाले थे, किसान के लिए कर्ज माफी और बहुत सारी बातें की थी। अच्छा ये बताइए कौन सी सरकार अच्छी थी, सपा सरकार कांग्रेस सरकार जिसने किसानों का हित सोचा हो या बीजेपी? सुन तो लो, मैं तो किसी को नहीं मानता, जब से हमारे चौधरी साहब ने भला करा था चौधरी चरण सिंह आज भी स्वर्ग में, अरे हमारी सुन लो उसके बाद तो इन लोगों ने बिजनेस बना ले, देश तो आज़ाद हो गया लेकिन किसान आज भी आज़ाद नहीं हुआ। आजादी कब तक मिल पाएगी किसानों? कब तक मिल पाएगी? जब हमारे निमाइंदे जाएंगे इसमें सरकार में। भाई हम तो 10-10 हज़ार रुपये 20,000 रुपये पर विधायक एम पी बनाएंगे, ये जो 2-2 लाख रुपए इन्होंने बना लिए, क्यों? जितने भी कर्मचारी उनकी तो संविदा पर लाने को तैयार हो, उनकी पेंशन खत्म कर दी, रेल बेच दी और क्या लो हो। अरे भाई नु कह रहे थे महाराज, मनु कहते हम जो गुजरात आए खाली झोला लेकर आए। अरे भाई खाली झोला हम हिसाब लेंगे, हम जो दो महीने से पड़े ना 300 रुपये का काम दे रहे हैं हम घर पर मजदूरों को, तो हम वो भी हिसाब लेंगे। मुझे पैसे ना जान देने के, हम तो हिसाब लेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे, पाई पाई का। भाई इनकी तो पेंशन, अरे भाई इनका क्या हो गया? इन्होंने तो ऐसा कर लिया, एक विधायक हमारे इसमें नेटवर्क में ओम कुमार जी थे, 5 साल लो तो मायावती की सरकार में रहे, विकास में 2 रुपये नहीं लगाए, आज आधे जिले के बराबर जो उन्होंने कारोबार कर रखा, बैंक ठोल स्कूल दुनिया भर के, तो और आज जो टिकट बीजेपी में ले लिया, आज बीजेपी का सहारा हड़प गए, क्यों? नु कह देते भाई जाटों ने तो हमारा गन्ना तोड़ा तो हम तो तुम्हारा कोई लाभ देने के नहीं, तो भाई हम तो ऐसा लग रहा है इन्होंने बिजनेस बना ली। भाई जब एक प्रधान बनता पंचायत का और अब चुनाव करा रही सरकार, तो वो पहले अब भी नहीं कह रहा भाई मैं बनूँ, अभी तू क्या बना? जो अच्छा आदमी होगा वो बनेगा भाई, कोई हम ना जागीर थोड़ी देते योगी हो या मोदी हो। सरकार तो कह रही है उसने विकास के बहुत सारे काम किए, किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए। विकास में बताओ भाई, इन्होंने वादा करा था कि हम 14 दिन में पेमेंट देंगे, पिछले साल का 1.5 महीने का हमारे 3 मिलों का बिजनौर के चड्ढा का हर बिलाई का 1.5 महीने का, इन्होंने रेट ही नहीं खोला, कोर्ट से हम जो ब्याज जीत गए ब्याज नहीं दे रहे, तो ये हमारा और क्या भला कर देंगे? 2000 का दिया था इन्होंने लालच 1800 रुपये रोज का, अरे भाई वो हमें दान मत दो, हमारी बिजली की दर कर दो, इन्होंने फ्री जो हो कनेक्शन दिए सभी लोगों को, तो बिजली की दर कम कर दो। भाई जब मेरे पास 11 रुपये की ज़मीन हो तो मैं 20,000 रुपये बिल कहाँ से दे दूँगा, जब चार अच्छा पर्ची आती है 1 महीने में एक, वही कभी उनके में लग जा कभी बैठे उनके में लग जा, मेरा हाथ तोड़वा देता अखिलेश जी ने भी। अरे हमारी सुन लो, मैं तो बेकार हूँ जब से, तो मैं तो सोच रहा भाई या तो रेल में या जेल में, तो मैं तो डरता है ना। ये काले कपड़े जो हों, जब तक जो काला कानून और मान लीजिए सुन लो नाथन स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होने की, जब लोग कपड़े निकाले चाहे 9 साल हो जाइयो और चाहे 14 वर्ष हो जाइयो, 14 वर्ष लो जैसे रामचंद्र जी बनो में रहते ना, मैं यहीं रहूँगा दिल्ली के चौगिरदाई। अरे नो जब चुनाव आ गया ना 22वां और 24वां, यो सबक सिखाऊंगा कि गुजरात से पर चले जाएंगे। मुझे संसद में अगर बुलाया जाए वो तो मैं कहता हूँ कि मैं जो 20 मिनट में यो काला कानून जैसे मैंने सूटर यो ले रखा मफलर इस समय ऐसे घेर दूंगा काले कानून को और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करा दूंगा।